गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों, मैं अर्चना कुमारी राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर से आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग, जिसे इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स उपसर्ग। तो आइए हम लोग उपसर्ग के बारे में जानते हैं। और जब मैं आपको क्लास में मिलूंगी गूगल मीट पर, तब मैं इससे बहुत सारे प्रश्न भी आपसे पूछूंगी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पढ़ेंगे उपसर्ग। ये देखिए, आप सभी बच्चों को यहां दिख रहा होगा उपसर्ग। उपसर्ग क्या है, इसका मतलब क्या है? उपसर्ग, ये देखिए, उप का मतलब होता है समीप। उप का मतलब क्या होता है? समीप। और सर्ग, सर्ग का क्या मतलब होता है? सृष्टि करना। तो उपसर्ग का मतलब हुआ किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, उसे ही उपसर्ग कहते हैं। अब आइए हम इसकी परिभाषा जानते हैं। परिभाषा, ये देखिए, वे शब्दांश जो शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दें, वे उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश, बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां शब्दांश है, शब्द नहीं। वे शब्दांश दिख रहा है ना आपको? शब्दांश, शब्दांश का मतलब होता है शब्द नहीं, शब्द का एक अंश, शब्दांश। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे। उदाहरण स्वरूप देखिएगा, मैंने यहां लिखा है हार। हार का मतलब क्या होता है? हार का मतलब होता है पराजय। हार का मतलब क्या होता है? पराजय। अब देखिएगा, इस हार शब्द, ये शब्द है मूल शब्द, इस शब्द के आगे अगर हम प्र लगा दें, यदि मैं यहां पे प्र लगाती हूं प्र, तो क्या हो गया? प्रहार। अब देखिए, ये जो शब्द है हार, जिसका मतलब पराजय होता है, इसमें अगर प्र जुड़ जाया, प्रो जुड़ गया, तो क्या बना? प्रहार। अब इस हार के अर्थ में परिवर्तन हो गया और क्या बना? प्रहार, जिसका अर्थ होता है चोट करना। अब देखिए, इसी शब्द में कोई दूसरा शब्दांश जोड़ेंगे। ये देखिए, हार, हार में अगर आ जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? आहार। मतलब यहां भी हार का मतलब पराजय होता है, लेकिन उसमें आ जोड़ देते हैं तो क्या होगा? आहार। आहार का मतलब क्या होता है? भोजन। अब देखिए, उसके और बाद आते हैं तो ये एक और हार है, इसका भी मतलब पराजय। और इसमें अगर हम सम जोड़ देते, सम, सम जोड़ हार, तो क्या हो गया? संहार। संहार का क्या मतलब होता है? विनाश। तो इस प्रकार देखिए, कैसे इस शब्दांश के लगने से इस शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जा रहा है। ये देखिए, अब हार है, यहां पर अगर हम वी लगाते हैं तो ये जो शब्द है, नया शब्द क्या बनेगा? विहार। विहार का मतलब घूमना। तो अब हम देखें, यहां पे प्र, आ, सम, वी, ये सभी शब्दांश हैं, शब्द नहीं है। शब्द तो ये हुआ और ये हुआ शब्दांश। तो अब हम परिभाषा को समझेंगे। वे शब्दांश जो शब्द के पहले लगकर उसमें परिवर्तन ला देते हैं। तो देखिए, वे शब्दांश जो शब्द के पहले, ये शब्द है, इसके पहले लग गए, ये पहले लगा और इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। इस शब्द के
अर्थ में परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार ये जो आगे शब्द लगा है प्र आ सम वी, ये शब्दांश है और इसी को क्या कहते हैं, उपसर्ग। इसी को उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू फारसी में उपसर्ग का प्रयोग है और इन सभी उपसर्गों को हिंदी व्याकरण में शामिल किया गया है। तो ये देखिए, हम देखते हैं हिंदी में उपसर्ग की संख्या कितनी है, 13, और संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी है, 22। तो आगे की कक्षा में मैं जब आपकी क्लास लूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि ये हिंदी में जो 13 उपसर्ग हैं वे उपसर्ग कौन कौन से हैं, और संस्कृत में 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं, और प्रत्येक उपसर्ग से दो दो शब्द भी बनाएंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये उपसर्ग अवश्य ही समझ में आया होगा। उपसर्ग मतलब समीप सृष्टि करना, जिसका अर्थ होता है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, इसे ही उपसर्ग कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। इस वीडियो को आप अवश्य देखें, पूरा देखिएगा, इसके आगे की पढ़ाई हम कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।